उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सबकी नजरें थी। सीसामऊ में सुबह मतगणना शुरू हुई उस समय से ही हर किसी की निगाहें इस उपचुनाव पर थी। वहीं 20 राउंड की गिनती के बाद सपा की नसीम सोलंकी ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली। आधिकारिक ऐलान होना फिलहाल बाकी है। बता चले बीजेपी के सुरेश अवस्थी सोलंकी से चुनाव हार गए हैं। काउंटिंग के दौरान कई बार ऐसा मौका आया जब सुरेश अवस्थी ने नसीम सोलंकी पर बढ़त बनाई, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े नसीम सोलंकी की लीड अंतर बढ़ता चला गया। नसीम सोलंकी सपा नेता इरफान सोलंकी की पत्नी है। बताया चले कि इरफान कई मामलों में जेल में बंद है। ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा था कि सोलंकी परिवार के साथ जनता का वोट है, और इसी तरीके से सपा ने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है। 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने थे। वही बात की जाए तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट काफी आउट सीट मानी जा रही थी, और आज सीसामऊ विधानसभा नसीम सोलंकी ने 8,000 कुछ वोटों से जीत दर्ज की है। वही 70,000 वोट मिले हैं नसीम सोलंकी को और 60,000 कुछ वोट मिले हैं सुरेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को। वही बात की जाए तो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, और लगातार कहीं ना कहीं वो चीज़ें फंसा था मामला यहाँ पे कि कौन जीतेगा कौन हारे में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत अली है, मैं वार्ड 3 का पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी से। 8,000 कुछ वोटों से चुनाव जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहते, अरे ये सच्चाई की जीत है। मैं तो सबसे पहले अपने सीसामऊ विधानसभा की जनता को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना जुल्म उनके ऊपर हुआ, उसके बाद भी उन्होंने सच्चाई दिखाया कि सच वालों के साथ खड़े रहे। ये तो मैं उनकी बधाई बधाई इतनी बधाई कि हम बता नहीं सकते हैं कि आज वो खुशी का आलम है कि बहुत बधाई हो। और मैं आप सब मीडिया वालों को भी दिल की गहराइयों से नसीम भाभी की तरफ से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने भी सच्चाई दिखाई। आप क्या नाम है? मेरा नाम सैदान सिद्दीकी है। मैं चाहता हूं कि आप चुनाव सही तरीके से चुनाव जीते कि नहीं। ये जीत इंसाफ परस्त की जीत है, ये जीत हम सबकी जीत है, ये जीत सीसामऊ विधानसभा की जीत है, और ये जीत इरफान सोलंकी की जीत है। ये जीत इरफान सोलंकी की जीत है। क्या नाम है आपका? शादाब आलम। क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव जीती? देखिए हमारी लड़ाई उसी दिन हम लोग जीत गए थे जब भाभी का टिकट हुआ था, और उधर से जो भाजपा के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी का टिकट हुआ था। हमारी लड़ाई कभी भाजपा से रही नहीं, हमारी लड़ाई शुरू से ही प्रशासन से रही। प्रशासन ने भरपूर भाजपा पार्टी बनकर चुनाव लड़ा, और आखिरी दम पे इंसानियत की जीत सीसामऊ की जनता ने जिताकर भाभी नसीम सोलंकी को विधानसभा पहुँचाने का कार्य किया। क्या नाम है आपका? आमिर खान। प्रशासन के आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रशासन क्या मतलब चीजें प्रशासन ने क्या गलत की क्या? देखिए जो जीत होना थी वो सीसामऊ विधानसभा सीसामऊ की जनता की जीत है, और हम सब नौजवान जो उपचुनाव में लगे हुए थे, बस ये जीत जनता की है। प्रशासन या को क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा उस पर कोई मतलब नहीं है। ये हम देखिए हमारे साथ और भी लोग आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हासिम मंसूरी। नसीम सोलंकी ने जीत 8,000 कुछ वोटों जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे आप? नसीम सोलंकी की जीत ये सीसामऊ विधानसभा की जीत है, ये इरफान सोलंकी की जीत है। जितना लोग परेशान किए गए उसी का गड्ढा खोदा गया, ये गड्ढा उन्हीं का खुद गया, और नसीम सोलंकी विजय हुई। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। ये देखिए जो नसीम सोलंकी समर्थक इस तरीके से पूरा खुश है, खुशी का माहौल है इनमें, और हो अल्लाह कार्यालय में वो चीजें हैं पूरी तरीके से जोश जोश होश बिल्कुल पूरी तरीके से वो करते हैं। आप खुद दिखाएं किस तरीके से कहीं समर्थक बिल्कुल खुश हैं, और ये इनका कहना कि प्रशासन के भाषण के पूरी कराई थी, ये नसीम सोलंकी की जीत है, हमारे उनकी जीत है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ अमित चौहान, न्यूज़24 कानपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।